नमस्कार दोस्तों, जैसा हमने आपसे वादा किया था, हम अयोध्या नगरी जी का संपूर्ण इतिहास आपके सामने लेकर के आएंगे एक सीरीज के रूप में। और आज उस सीरीज के पहले चरण में हम प्रस्तुत कर रहे हैं अयोध्या जी का संपूर्ण इतिहास। तो आज की इस कड़ी में दोस्तों, हम अयोध्या नगरी जी का संपूर्ण इतिहास देखेंगे। अयोध्या नगरी किस प्रकार से जो है अस्तित्व में आई, मनुष्यों के आदि पुरुष महाराज मनु ने इस नगरी को सतयुग में बसाया था और बाद में यहीं से मानव जाति का जो है विस्तार और प्रसार हुआ था। भगवान विष्णु ने स्वयं वैकुंठ से अयोध्या नगरी को महाराज मनु को प्रदान किया था और इसे धरती पर स्थापित करने का आदेश दिया था। स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि जो अयोध्या नगरी है वो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के ऊपर बसी हुई है। अयोध्या को सप्तपुरियों में जो है प्रथम पुरी भी कहा जाता है और इसकी महिमा इतनी बड़ी है कि जो यहाँ निवास करता है उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। अथर्ववेद में अयोध्या को देवताओं की पुरी के नाम से भी संबोधित किया गया है। अष्टाचक्र नव द्वारा देवानाम पुयोध्या, ये श्लोक इसकी महिमा को वर्णित करता है। अयोध्या को धरती का वैकुंठ भी कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में अयोध्या जी का विस्तृत वर्णन मिलता है बालकांड में। बालकांड में अयोध्या जी का जो वर्णन है उसके अनुसार अयोध्या जी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी एक नगरी थी। और एक श्लोक आता है बालकांड से ही, अयोध्या नाम नगरी तत्रा सिल्लो कवि श्रदा मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम धाम दा पुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी चारी खानी जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। तो इस प्रकार से अयोध्या नगरी जी का महत्व अनेकानेन जो शास्त्रोक्त प्रमाण है उनसे सिद्ध किया गया है कि अयोध्या भगवान नारायण के विष्णु जी के वैकुंठ से जो है धरती पर आई थी और इसको स्थापित मनुष्यों के आदि पुरुष महाराज मनु ने किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, उनके अनुसार महाराजा इक्ष्वाकु जो है पहले राजा थे इक्ष्वाकु वंश के, ये वही वंश हैं जिनसे महाराज राम का संबंध है, हमारे राजा राम का संबंध है। बाद में इसी कुल में रघु नाम के बड़े प्रतापी राजा हुए थे और इस कुल को रघुवंश के नाम से भी जाना जाता है। तो महाराज इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे। इन्होंने कौशल राज्य की स्थापना करी और अयोध्या जी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इक्ष्वाकु शब्द की उत्पत्ति जो है ईख शब्द से हुई है, अर्थात ईख उत्पन्न करने वाली धरती, और इसी से नाम आया है इक्ष्वाकु। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो इक्ष्वाकु थे महाराज मनु के पुत्र थे और कश्यप और अदिति से विवशवान हुए और फिर उनके पुत्र के रूप में महाराज मनु का जन्म हुआ। मनु और श्रद्धा की 10 संतानें थीं जिनमें से एक इक्ष्वाकु भी थे। इक्ष्वाकु राजा बने तो उन्हें बहुत ही प्रतापी और महात्मा के नाम से संबोधित किया गया। बाद में यही इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश के नाम से जगत में विख्यात हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे और इक्ष्वाकु के एक पुत्र निमि ने बाद में मिथिला राजकुल को स्थापित किया था। महाभारत के भीष्म पर्व के 9वें अध्याय में महाराज इक्ष्वाकु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भी महाराज इक्ष्वाकु का वर्णन है।
इक्ष्वाकु वंश को रघुवंश भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसी कुल में बाद में महाराज रघु नाम के बड़े प्रतापी राजा हुए थे, जिसकी वजह से इक्ष्वाकु वंश बाद में रघुवंश के नाम से जगत में विख्यात हुआ। अब बात करते हैं वर्तमान में रघुवंश की जड़ें कहां कहां पर फैली हुई हैं। तो पुराणों के अनुसार जो रघुवंशी हैं उनके वंशज जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। दोस्तों ये था अयोध्या नगरी का पौराणिक और वैदिक वर्णन। अगली कड़ी में हम भगवान राम की वंशावली का जिक्र करेंगे। भगवान राम से पहले कितने उनके कुल में उत्पन्न हुए और उनकी पूरी वंशावली क्रमानुसार हम आपके सामने अगली कड़ी में लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।